kill it in the berry with the summer, but a pain the berry eye the mama, the above an hour, but a hint in a guy car an hour. I in the berry way, manga, but a pain the berry eye the mama, the above an hour, but a hint in a guy car an hour. I in the berry way, manga, but a mill and a tivilla the mama, cover the berry in a thick mama, baby. Hello everyone, this is Rajesh Kumar and welcome back to my channel Euromi Official. Guys, हमेशा की तरह और एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ हमारे चैनल में स्वागत है एंड आई होप कि आप सब लोग सारे बढ़िया होंगे. तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले विच जेन की तरफ से एक सियाला ट्रैक जिसका नाम है नता वनम और टाइटल लाइन में लिखा है कि मेवा वाला नहीं दी. और ये एक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो होने वाला है डायरेक्टेड बाय पासिंदो एफडीओ. ओके, तो गाइस इस गाने को जो मतलब लिखा है दिनेंदु सस्मिता ने लिखा है एंड म्यूजिक बाय फोल्की जाए. ओके, इनको भी हम लोग मतलब म्यूजिक को इस बार पहली बार सुन रहे हैं हम लोग को. और परफॉर्मर बाय विशन. ओके, इधर परफॉर्म किया है विशन ने और बीट प्रोड्यूसर बाय हैरिस रेसो. ओके, डायरेक्टर बाय पसंदो फेब्रियो, इसको हम लोग तो पहले भी बता चुके हैं. तो गाइस, ये जो गाने का जो थंबनेल है 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी और हैशटैग ट्रेंडिंग में भी लिखा है, तो ट्रेंडिंग में ये गाना चल रहा है. और थंबनेल देख के तो ऐसा पता चलता है कि एक मतलब रोमांटिक ट्रैक होने वाले, लड़की को पटाने के लिए भाई पीछे जा रहा होगा कुछ, मतलब ऐसा कुछ मतलब सोच में आ रहा है कि ऐसा ही होगा गाने के अंदर. तो चलिए, गाना देखने के बाद ही तो पता चलेगा और क्या क्या है गाने के अंदर, हम लोग को क्या क्या देखने को मिला, लास्ट में हम लोग बात करेंगे. तो चलिए, बिना देरी किए हुए गाने की तरफ सीधा बढ़ते और देखते. ओके, चलो लेट्स गो. ओके, पसंदर दियो. नाइस बैकग्राउंड म्यूजिक. ओके, भाई स्टार्टिंग इतना कमल का हो रहा है तो मतलब पूरा एंटर गाना कैसा होगा आप सोच रहे होंगे ना. तो चलिए, मेरे साथ बना रहे लास्ट तक और गाने को एंजॉय करते ही. वाओ, क्या बोला भाई इधर, वो जो म्यूजिक दिया है उनका नाम बोला इधर, उन द बीट नाम ऐसा बोल के. ओके, किल दिन बेरी विद समाव बट पेन बेरी आई द माव माव दिया माव नाव बट हिन न दिए गाई घर नाव आई न बेरी वे मंगाव मट मिल. गाइस, साबुन जैसा बोला था वैसा ही निकला इधर, मतलब लड़के के पीछे रोज लेके भाई स्टार्ट कर दिया इधर उनका गाना. ओके, पेन बेरी आई द माव इधर मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है कि हम उतना महंगा है, महंगा के बारे में कुछ इधर बोल रहे है इधर, मतलब उनका स्टेटस और कपड़ा ऐसा कुछ वैसा लेके बोल रहे होंगे शायद इधर, जो समझ में आ रहा है. गाइस, ध्यान से सुने, बैकग्राउंड में और एक भी ट्रैक चल रहे ऐसा वाला एक चल रहा है, सुने ध्यान से सुने तो पता चलेगा ये वाला. But a pain, a berry, a mava, balang, a kalimama, paragav,
तो गाइस गाना तो आप लोगों ने सभी देख लिया और आप लोगों को जैसा बताया था वैसा ही निकला गाने के अंदर। मतलब लड़की के पीछे भाई जा रहा है और उसको प्रपोज मारता है, उसके बारे में एक ट्रैक था। मतलब कैसे प्रपोज मारता है, उनको बोलता है कि मैं ऐसा ऐसा हूँ और मेरा वैसा नहीं है, मतलब वो स्टेटस के बारे में और अपन ऐसा रहता ही है उसके बारे में, खुद के बारे में इधर गाने के मतलब जो कुछ भी देखने को मिला खुद के बारे में बताए। और लड़की थोड़ा ज़्यादा भाव खाता है इधर इस गाने के अंदर। और लास्ट में जो सीन था और मतलब बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल इधर यूज़ किया गया है। और गाइस ये जो शॉट था, मतलब ये शूटिंग हुआ है एक स्ट्रीट का, ऐसा जैसा मतलब पेड़ के नीचे एक जो बड़ा वाला पेड़ होता है उसके नीचे ये शूट किया गया है। मतलब पूरा का गाना ऐसा था और पार्क में भी शूट हुआ है। तो गाइस गाना का जो सबसे अच्छा लगा वो है इस भाई का वॉइस क्वालिटी एंड म्यूजिक, मतलब जो फ्लॉकी ऑन द बीट था, म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है, वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, लिरिक्स भी अच्छा था, समझ में नहीं आया लेकिन लिरिक्स भी अच्छा लग रहा था, बीट के साथ बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन से जा रहा था। और गाइस मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये गाना, समझ में नहीं आया लेकिन वो उसका जो म्यूजिक और भाई का वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, फायर फ्लॉकी ऑन द बीट। और गाइस आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं एंड अगले वीडियो आने तक हमारे साथ ही बने रहे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस, यू नो मी ऑफिशियल।